और तीसरी आयत में आके हमको एक शब्द मिलता है कि फिर दूसरी बार उन्होंने कहा हालेलुया उनके, और पहली आयत में जब पढ़ते हैं उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही का है। अपने पड़ोसी को बोलो जिसके साथ आप बैठे हो, हेलो, इधर उधर ध्यान नहीं दो, वचन परमेश्वर का है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार होंगे तो हम परमेश्वर की अच्छी अच्छी बातों को भी सीख सकते हैं। अगर आप अच्छा, कई बार हमारा मन शरीर होता है, इधर बॉडी होती है, बोले बॉडी है इधर, सब बोले बॉडी है इधर, मन है उधर। हाँ, इस बच्चे ने सही बोला, इसने मन है इधर बोला। कई बार है क्या क्या होता है कि हमने अपने पड़ोसी बच्चे फ्रेंड से, जो हमारे पड़ोस वाले घर में हमारा फ्रेंड रहता है, उसके साथ प्लान किया कि यार एक काम करियो, तू 2 बजे आ जाइयो, 2 बजे मिलके खेलेंगे। अब घड़ी पे नजर आ रही है 1 बज गया, 2 बजे तक तो घर पहुंच ही नहीं पाऊंगा, क्या करूं। अब यहां पर बॉडी है, चर्च में बैठे हैं, कहां बैठे हैं, पर माइंड कहां चल रहा है, दोस्त के पास। अरे यार कैसे पहुंचूंगा, 2 बजे तक खेलने का प्लान था, वो आ जाएगा, मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। प्रभु हमसे क्या चाहता है कि हम उससे क्या करें, हमने गाना गाया ना अभी, प्रभु क्या चाहता है हम उससे क्या करें। अब ये बताओ मुझे ठीक से, ये किसकी फोटो है, ये वाली बताओ, कौन कौन बोल रहा है ये दाऊद की फोटो है। अच्छा, कौन कौन बोलता है ये सैमसन की फोटो है, कितने लोग, अच्छा सैमसन की फोटो है, ठीक है, कुछ लोग सैमसन वाले भी हैं। कौन कौन बोलता है कि ये शमूएल की फोटो है, ओके, और कितने लोग बोलते हैं कि ये यीशु मसीह की फोटो है, पक्की बात है, वेरी गुड, ये दाऊद की फोटो है। जितने लोगों ने दाऊद बोला वो जीत गए। दाऊद ने, दाऊद जो है एक छोटा सिपाही नहीं था, बच्चा था, ठीक है, और बड़ी छोटी सी उम्र में परमेश्वर ने उसको अपने काम के लिए चुन लिया। ये अच्छी स्टोरी लगा रखी है पहले से। और ये वो भेड़ों को चराता था, अच्छा साज भी बजाता था, वीणा बजाता था, तो अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजाता था, भेड़ों को चराता था। और एक दिन उसका सामना हुआ गोलियत से, किससे, गोलियत कौन है, गोलियत कौन है, बहुत बड़ा बुरा सिपाही। पर आज मैं आपको गोलियत दिखाता हूं जो आपके सामने आते हैं, दिखाऊं, अभी दिखाऊं गोलियत कौन है। भाई इसको नहीं सोचना, ये बहुत अच्छा बच्चा है, ठीक है, ये नहीं है, मैंने इससे नाम पूछा तो इसने नाम पता नहीं क्या बोला, मुझे ओरियन कोरियन बोला शायद, पर मुझे पहले गोलियत सुनाई दिया था, मैंने बोला गोलियत। तो आपके सामने गोलियत कैसे आता है, मैं बताऊं, बताऊं, गोलियत से मिलना चाहते हो, मिलना चाहते हो। जब आपको पास्टर जी कह दें कि इस संडे चर्च में बच्चों का अच्छा प्रोग्राम है, आप आना, और एक व्यक्ति आपका फ्रेंड है, एक बच्चा आपका फ्रेंड है, वो बोलता है मेरी बर्थडे पार्टी है, आना, है ना। अब दो पार्टी है, कौन सी, एक पार्टी चर्च की पार्टी है, एक पार्टी फ्रेंड की पार्टी है, कहां जाएंगे, ठीक है। चलो अभी तो हमने कह दिया चर्च, दोस्त भी कह रहे देखो कुछ लोग दोस्त भी कह रहे, चर्च भी जाएंगे, चर्च वाली पार्टी भी अच्छी है और दोस्त वाली पार्टी भी अच्छी है, लेकिन दिमाग में दोनों पार्टीज, इस पार्टी में जाऊं या, अब इनमें से गोलियत कौन है बताओ, दोस्त वाली पार्टी या चर्च वाली पार्टी। समझते सब है, ये समझदार बच्चे हैं, कौन सी वाली पार्टी गोलियत है, चलने दो थोड़ा थोड़ा। अब जब गोलियत की पार्टी आपके सामने आ गई तो अब आपको सिलेक्ट करना है कि आपको यीशु की पार्टी में जाना है या आप किस पार्टी में जाओगे। ए और बी में से सिलेक्ट करो, ए यीशु की पार्टी है, बी गोलियत की पार्टी है। अच्छा बी वाले कितने लोग हैं, एक भी नहीं है, कितना अच्छे बच्चे हैं आपके,
बहुत अच्छे बच्चे हैं, चल सकता है कुछ सॉफ्ट सा? यीशु की पार्टी में जब हम जाएंगे तो वहां पर हमें यीशु मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार बाइबल आप लोग पढ़ना शुरू करो, जो लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं जरूर पढ़ा करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। नहीं सॉरी, 19 अध्याय, लूका 19 अध्याय, 19 चैप्टर। और इसकी हम पढ़ सकते हैं पहली आयत से। सब लोग सुनना ध्यान से, ठीक है? बहुत सुनने वाली बात है। वह यरीहो से मैं प्रवेश करके जा रहा था। यीशु मसीह एक जगह जा रहे हैं, उस जगह का नाम यरीहो है, यरीहो में से होते हुए जा रहे हैं आगे। वहाँ जकई नाम एक मनुष्य था। गाना गाते हो, जकई नाम एक आदमी था, वो इतना नाटा था। गाओ, जकई नाम एक आदमी था, वो नाटा था। पेड़ पे चढ़कर यीशु को वो देखना चाहता था। एलेक्स, पेड़ पे चढ़कर वो यीशु को देखना चाहता था। यीशु वहां आकर बोला, नीचे उतरो। यीशु सी आएगा सी के बोलो, नीचे उतरो। आज मैं तेरे घर में आकर खाना खाऊंगा। आज मैं तेरे घर पे आके खाना खाऊंगा। यीशु मसीह यहाँ पर जा रहे हैं किसी रास्ते में से, और ये जो बंदा है जिसका नाम क्या है? जकई। क्या नाम है? जकई। सब बोले क्या नाम है? जकई। क्या नाम है? सब बोलो क्या नाम है? सब बोलो क्या नाम है? जकई नाम का एक आदमी जो हाइट में बहुत काफी काफी छोटा है, और वो अब यीशु को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। कहाँ लिखा है मिलना चाहता है? लिखा है कहीं बाइबल में? पैसे लिखा है? देखना चाहता है। लिखा है कि यीशु को अपने घर ले जाना चाहता है? आपने पढ़ा है कभी? किसी ने पढ़ा है? नहीं, उधर है ही नहीं, लिखा ही नहीं है ऐसा। बाइबल में लिखा है कि वो सिर्फ यीशु को देखना चाहता है, देखना चाहता है। ऐसा साइन करो, यीशु को क्या करना चाहता है? सिर्फ। कौन कौन बोल रहे हैं देखना चाहता है? जरा देखते हैं, बोलो देखना चाहता है। हाँ, जग गए, जग गए, जग गए, वेरी गुड। तो यीशु को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। यीशु के साथ इसकी कोई पार्टी की प्लानिंग है कि आज की पार्टी मेरे घर होगी, ऐसा बोला है यीशु ने? बोला उसको पहले से कि तेरे घर मेरी पार्टी होगी आज, या जकई ने पहले से? बाइबल में तो नहीं लिखा, आगे पढ़ेंगे जरा पास्टर जी प्लीज। जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन है, सा है, कौन है। यीशु को क्या करना चाहता था? देखना चाहता था कि वो कौन सा है, कौन सा। इसका मतलब जकई यीशु मसीह को अभी तक जानता? जकई यीशु मसीह को अभी तक जानता? बोलो नहीं है। बोलो जकई यीशु मसीह को नहीं जानता, और यीशु मसीह भी जकई से अभी तक नहीं मिला। सही बोला आपने, लेकिन ये जकई जो है यीशु को आगे पढ़े, परंतु भीड़ के कारण देख ना सका था। हाँ। क्योंकि वह नाटा था, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। गुलर का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, उसमें बहुत सारे चींटे होते हैं। क्या होते हैं बोलो? क्या होते हैं? चींटे क्या करते हैं? काट लेते हैं। तो चींटे वाले पेड़ पे आप कभी चढ़ोगे? उस पर दो या चार चींटे नहीं होते, हजारों चींटे होते हैं, पूरे में चींटे ही चींटे चिपके होते हैं। तो जब आप उस पर चढ़ोगे तो चींटे आपको काट सकते हैं, समझ में आया? अब लेकिन ये यीशु को क्या करना चाहता है? देखना चाहता है। सब इधर सुनो, देखो क्या करना चाहता है यीशु को। अब जब यीशु के पास ये जब यीशु इसके पास पहुंच गए, तो यीशु ने पांचवी आयत में इससे क्या कहा? पढ़े, जब यीशु उस पर उस जगह पहुंचे जी,
तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, यीशु ने कहां दृष्टि करी? ऊपर। कहां दृष्टि करी? कहां दृष्टि करी? कहां दृष्टि करी? क्योंकि यीशु को पहले से पता होता है कि आप चर्च की पार्टी छोड़ के दोस्त की पार्टी में जा रहे हो। पार्टी ज्यादा अच्छी कौन सी है, चर्च वाली या दोस्त वाली? पक्की बात है? पास्टर जी नोटिस कर लेना, आप ये लिख लेना, अगली बार कोई पार्टी आएगी तो देख लेना ये कौन सी पार्टी में जाएंगे। इनकी पार्टी बदलने ही नहीं देंगे। और इनसे पार्टी पूछ लेना कौन सी वाली पार्टी में है ये। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो जब आप और इस बात को वचन को आगे पढ़ते हो तो यीशु मसीह अभी तक, अभी अभी आइजक ने बोला कि यीशु मसीह अभी तक उससे नहीं मिला, पर यीशु उसका नाम है। हालेलुया। तो यीशु ने क्या बोला, ए भाई हेलो, ओए पेड़ पर चढ़े हुए चल नीचे उतर, ऐसे बोला क्या बोला? अरे इसी, अरे कौन है ये चढ़ गया पेड़ पे, उतारो उसको नीचे, ऐसे बोला है? या किसी ने यीशु मसीह के कान में, अरे वो बैठा है ऊपर एक छोटा सा बंदर की तरह पेड़ पे लटक गया आपको देखने, ऐसे किसी ने बोला? यीशु ने खुद उसको बुलाया, क्या बोला? हे जकई, नीचे उतर। अब जकई को जैसी आवाज लगाई, ओ जकई, वो कह रहा होगा मुझे आवाज कौन लगा रहा है भाई, कौन है, कौन इधर, इधर कौन है? क्योंकि उसको पता है यहाँ के कई लोग मुझे जानते हैं पर यीशु के लोग मुझे, यीशु मसीह उससे अभी तक नहीं मिला था, तो उसे पता है यीशु को मेरा नाम। कैसे यीशु ने उसको बोला? यीशु मसीह आपके और मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। क्या सब कुछ जानते हैं? यीशु मसीह, यीशु पापा, यीशु मेरे और आपके बारे में सब कुछ जानते हैं। माइक में बोलो, जानते हैं, जानते हैं। अच्छा बोला, यीशु हमारे बारे में सब कुछ जानते हैं। और जब यीशु ने बोला जकई नीचे उतरा, उसने कहा नहीं 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 मैं नहीं आ रहा, ऐसे लिखा बाइबल में, पढ़े जरा पास जी एक बार। जब यीशु ने ऊपर दृष्टि करके उससे कहा जकई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है, वह तुरंत उतर के आनंद से अपने घर ले गया। जब आप अच्छे से वर्शिप करोगे, हाथों को उठाओ, ताली को बजाओ, गाओ, नाचो और बोलो, एक बार और, हाथों को उठाओ, तो आपका कोई फ्रेंड आपको ऐसे भी कह सकता है, अरे कितनी अजीब सी ताली बजाता है ये, बड़ा अजीब सा नाचती है ये, तो इसका देखो पता ही नहीं कभी भी उछलने लगती है ये, जब मर्जी उछलने लग गए, कोई बात हुई है, कैसे हाथ उठाते हैं अजीब अजीब तरीके से, ऐसे बोलेंगे लोग आपको, है ना? कोई ना कोई तो बोल ही सकता है। एक गाना है पुराना, कुछ तो लोग और हमें इस समय पर जब लोग आपको कहें अरे आयज ताली बजाना तो सीखो सही से, नहीं आता तुमको ताली बजाना, कैसे बजाते हो तुम, ऐसे बजाते हैं कोई ताली हैं? या बोले ओरियन से बोले, ओरियन नाम है ना भाई, मुझे स्पेलिंग देनी पड़ेगी तभी मैं सीख पाऊंगा, ओरियन से बोले, ओरियन आप बाल रखो भाई, बालों के बिना अच्छे नहीं लगते हो फॉर एग्जाम्पल, लेकिन ओरियन अपने माँ बाप को ऐसे अच्छा लगता है ना? परमेश्वर आप जैसे हो, कई बार हम क्लास में सोचते हैं भाई मेरी, आप कौन सी क्लास में हो? वाओ एट क्लास में है। अब आपकी क्लास में कुछ बच्चे आपके साइज के होंगे, कुछ बच्चे आपसे काफी, कुछ बच्चों को आपसे ऐसे बात करनी पड़ती है, आपको उनसे करना पड़ता है ना, लेकिन लेकिन यीशु आपकी हाइट से कोई मतलब, यीशु आपके टैलेंट से कोई मतलब, आपका हेयर स्टाइल कितना अच्छा है उससे मतलब, यीशु आपसे प्यार करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपको कुछ भी अच्छा गाना नहीं आता, आपको ताली बजाना नहीं आता, आशीष आप बहुत अच्छा ड्रम नहीं बजा सकते, मैं अपने बारे में बोलता हूँ, एनोश आप अच्छा गिटार नहीं बजा सकते, तो भी यीशु आपसे बहुत ज्यादा
प्यार करता है। हालेलुया। लोग बोलेंगे यार तुमको ड्रम का बेस तक तो बजाना आता नहीं है, तुम हटो यार हमें बजाने दो। ऐसे ही मुझसे कोई कह दे भैया ऐसा है भाई आप हटिए माइक छोड़ो हमें गाने दो, लोग आपको ऐसा कह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर उसको चुनता है जिसे कुछ भी नहीं आता। अच्छा मुझे पानी के दो ग्लास मिल सकते हैं, एक में पानी और एक खाली, और आप में से एक जन को मेरे पास आना पड़ेगा इधर, एक में आधा ग्लास नहीं, एक में पूरा ग्लास पानी और एक में एक खाली। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ठीक है, देखना ध्यान से। जब आप कोई चीज को यीशु के पास सीखने जाते हो, पास्टर के पास सीखने जाते हो, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। आपका नाम क्या बेटा? हाँ चलिए आप यहां आ जाओ प्लीज, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अब देखो ध्यान से, ये ग्लास अच्छा है, इसका नाम क्या है? हाँ वेरी गुड, इस ग्लास का नाम क्या है? अच्छा है। और ये ग्लास का नाम खत्म है। क्या नाम है? क्या नाम है? फिनिश। ये ग्लास गुड है, अच्छा है, और ये वाला ग्लास खत्म है, इसमें कुछ नहीं आ सकता। अगर इसमें हम कुछ डालना चाहें डाल सकते हैं, अच्छा ग्लास में हम डाल सकते हैं कुछ, इसमें अगर पानी और डालते हैं डल जाएगा, कितना डल जाएगा? उसके बाद क्या होगा? ये तो पहले से ही इतना भरा हुआ है, इसके अंदर पहले से ही नेटफ्लिक्स भरा हुआ है, डिज्नी हॉटस्टार भरा हुआ है, इतनी सारी बच्चों की मूवीज भरी हुई है, तो बाइबल की मूवीज तो इसमें आ ही नहीं सकती, क्योंकि तो ये पहले से बहुत ज्यादा भरा हुआ है। इसमें फ्रेंड्स की पार्टी रखी हुई है, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी रखी हैं। फ्रेंड ने बोला देख ऐसा है सुन, शाम को ना 6 बजे आना, और हम ना 6 बजे से 6:30 बजे तक घर में बोल के आना, पर हम 7 बजे तक खेलेंगे। ऐसा होता है ना, फिर मम्मी चिल्लाती रहती है आयसा कहां गया, आ रहा हूं मम्मी आ रहा हूं, फिर 5 मिनट बाद दोबारा आएगा, दोबारा आवाज आएगी लाला जी कहां हो जल्दी आओ, लाला जी नहीं आ रहे खेल रहे हैं। आपने बोला था 6 से 6:30 बजे तक और आप खेले 7 बजे तक। अच्छा इस ग्लास के बारे में बताओ, अच्छा ग्लास में कितना पानी आएगा? थोड़ा। अच्छा ठीक है, अच्छा ग्लास में अगर थोड़ा पानी डाल भी दिया तो इसका जो अंदर का पानी है वो कहां जाएगा बताओ? अरे हैं? किसने बोला अभी, किसने बोला, क्या बोला आपने, किसने बोला मिक्स हो जाएगा? हाँ उसी में मिक्स, तो किसी काम का नहीं रहा जो पानी। आप मान लो ये पानी ब्लैक है, या मान लो इस पानी में मक्खी गिर गई, कौन पिएगा पानी? कौन पिएगा पानी? मक्खी गिर गई है, दूध में मक्खी गिर गई है, तो पानी, मान लो ये पानी नहीं है दूध है, चलिए आप बताओ इसमें दूध में मक्खी गिर गई, कौन पिएगा? आप पी लोगे? कौन पिएगा? अच्छा एक काम करेंगे, 1 चम्मच दूध निकालेंगे फेंक देंगे, है ना, और बाकी पी लेंगे, तो मक्खी का इन्फेक्शन तो सारे दूध में चला गया, कितना दूध फेंकेगा? पूरा एक ग्लास। कितना? अगर ये पानी आपने खाली नहीं किया तब तक इसमें अच्छी बातें नहीं जा सकती। अब एग्जाम्पल लेते हैं कि ये अच्छा है, बोलो अच्छा है, बोलो पानी अच्छा है, और ये वाला ग्लास खत्म है, बोलो खाली है। खाली ग्लास में क्या डाल सकते हो आप? चलो इसमें ये पानी है हमारे पास, पानी डाल देते हैं, ठीक है, चलो पानी की जगह अगर हम ये डालें इसके अंदर, ठीक है, ये देखना ये इसमें जा रहा है कि नहीं, ये इसमें जा रहा है कि नहीं, नहीं जा रहा, नहीं जा रहा। अरे मैं इस बेल्ट की बात कर रहा हूं, इसको छोड़ दो, ये नहीं है इसके साथ, ये नहीं। एग्जांपल लेते हैं आपको सिखाने के लिए कि फॉर एग्जांपल इसमें ये नहीं है, चलो ये नहीं, ये इसमें आ गया। ये ग्लास किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? इसके लिए तो इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा इसको निकाल देते हैं, चलो ठीक है, इस ग्लास में मैं अपना पेन रखता हूँ, ये इसमें आ गया, आ गया ना, अरे रखा तो इसके अंदर ही है, अंदर ही है ना। इस पेन को निकाल लेते हैं, अभी पास्टर जी का पेन लूं मैं, इसमें आ जाएगा? आपका एक रुपए का सिक्का लूं, इसमें आ जाएगा? आपका एक चिप्स लूं, इसके अंदर आ जाएगा?
खाली ग्लास में आप कुछ भी, जब आप, अब देखो इस पानी को डालना शुरू करते हैं, इसमें धीरे धीरे डालो। जब आप यीशु के बच्चे बनते हो तो आपके अंदर से गंदी बातें धीरे धीरे निकलती हैं। ये पानी इसमें से एकदम से निकल सकता है? नहीं। जब पलटेंगे, हाँ बोलने से फायदा नहीं है, होगा नहीं ऐसा। निकलेगा तो थोड़ा वक्त तो उसमें लगेगा। निकालो, पानी निकालो, देखो सारा डाल दो। धीरे धीरे पानी जा रहा है, गंदा निकल रहा है और निकल रहा है और निकल रहा है। सारा निकलने के बाद अब ये ग्लास खाली हो गया। अब इस ग्लास में कुछ भी नहीं है। अब इसमें हम कुछ भी नया डाल सकते हैं क्योंकि ये ग्लास अब, यस। तो जब आप, थैंक यू शैली, थैंक यू, रख दीजिए। अब इसको पानी को पीना हो, किसी को पिला देना, ग्लास तो दोनों ही साफ है। जब आप अपने आप को खाली करते हो, बोले हेलो, बोलो हम इधर ही हैं, हम सुन रहे हैं, हम इधर ही हैं, जी हम इधर ही हैं, हम सोए नहीं हैं, वेरी गुड। तो आप जब अपने आप को खाली करते हो तो यीशु आपसे प्यार करता है। आइज़क जोर से बोलो, यीशु आपसे। और यीशु ने जक्कई को बुलाया और वो नीचे आ गया, क्योंकि यीशु को पहले से जक्कई का नाम पता था। तो जब आप यीशु मसीह के पास, यीशु पापा के पास, जीसस क्राइस्ट के पास, जब आप खाली दिमाग, खाली मन लेके आते हो तो यीशु उसमें अच्छी अच्छी बातें जेनिफर, यीशु उसमें अच्छी अच्छी बातें डाल देंगे। अगर आप पहले से ही उसमें बहुत सारी इधर उधर की बातें लेके आओगे तो यीशु उसमें कोई भी अच्छी बात डाल। तो आज हमें तैयार होना है कि जब हमने जैसा सुना, जैसे जक्कई ने अपने आप को तैयार किया कि वो यीशु को, हमने गाना गाया, मैं चलता चलता रहा और मैं, हाँ, जब आप ढूंढोगे तो यीशु आपको, जब आप ढूंढेंगे यीशु आपको मिल जाएगा। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और दाऊद के जीवन से, जक्कई के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं कि उन्होंने अपने आप को तैयार किया और परमेश्वर के वचन को सीखा और यीशु की बात मानी। और हमारे सामने बात मानने के लिए दो लोग हैं, पहले मम्मी पापा और दूसरे आत्मिक पापा, हाँ, आत्मिक पिता और शारीरिक माता पिता। मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं बस। हमारे सामने दो लोग हैं बात मानने के लिए, कौन है? पहले माता पिता और दूसरे आत्मिक पिता। हालेलुया। तो आज से बात मानेंगे, प्रॉमिस करके दिखाओ। नहीं, मुझे थंब तो दिखे नहीं रहा, किसी का थंब दिखाओ, प्रॉमिस करो बात मानेंगे। ठीक है, चलो सबके पेरेंट्स का नंबर मुझे दे देना आप, मुझे पता लग जाएगा कौन बात मान रहा है कौन नहीं मान रहा। रेडी? चलो, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत सारी ब्लेसिंग दे, बुद्धि दे, पवित्र आत्मा का सामर्थ अभी से दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।